हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हमें अपने डेली लाइफ में ऐसे कुछ टिप्स और हैक्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमारे काम इजी भी हो जाए और जल्दी भी हो जाए। तो ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर मैं आज आई हूँ आपके लिए, लेकर आई हूँ जिससे आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा और आपकी समय की भी बचत होगी। तो मेरा आज का पहला हैक है, जहाँ हम लोग को चाय पीना तो सबको बहुत पसंद है, अलग अलग फ्लेवर की अलग अलग चाय पीना बहुत पसंद है। किसी को तुलसी की, किसी को किसी पुदीने की भी पसंद होती है। तो जिन्हें पुदीने की इस तरह की चाय पसंद होती है, वो आप ग्रीन लीफ तो रखना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, तो इस तरीके से आप उसे सुखा कर चाय पत्ती के डिब्बे में रख लें और अलग से आपको इसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब चाहे चाय जब भी बनाएंगे तो उसका फ्लेवर आपको आराम से मिल जाएगा। तो मेरा आज का अगला हैक है, जो किचन में इस तरह के जो सीजर्स होते हैं, अक्सर क्या होता है उसका जो धार होती है वो ख़राब हो जाती है जब हम, क्योंकि उससे हम डेली लगभग बहुत सारे काम, बहुत सारे पॉलीथीन की कटिंग वगैरह करते हैं। तो उसकी धार कैसे तेज करना है, इसका है क्या, आपको कुछ नहीं, बस एक थोड़ा सा नमक ले लेना है। नमक के डिब्बा में आप इस तरीके से सीज़र को थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए इस तरीके से चलाएं और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका जो सीज़र है उसकी जो धार है वो बहुत तेज़ हो जाएगी और आप आराम से जो भी आपका जो काम है, प्लास्टिक काटना है, वो आप आराम से कर पाएंगे। किचन में ऐसे सीज़र तेज़ रहता है तो हमें बहुत सहूलियत होती है। तो मेरा आज का अगला हैक है, इस तरीके से जो सेलो टेप्स होते हैं, तो अक्सर क्या होता है हम लोग उसको ना कट कर लेते हैं और फिर वो उसमें मिल जाता है, फिर जब नेक्स्ट टाइम जब हम ढूंढते हैं तो हमें मिलता नहीं रहता है उसका सिरा। अक्सर बच्चे इस तरीके से कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जब आप टेप को जब यूज़ करना हो तो इस तरीके से आप अपना टेप को कट कर लें निकाल कर, उसके बाद आपको इस तरीके से उसको फोल्ड करके रखना है कि नेक्स्ट टाइम आप जब आप टेप का यूज़ करने जाएं तो आपको आराम से उसको, आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो, आराम से उसको मिल जाए। उसका जो सिरा होता है वो इस तरीके से आप उसको कट कर ले एंड अंदर की तरफ आप फोल्ड करके रख देंगे, तो आपको क्या होगा, जब भी आप ज़रूरत पड़ेगी आपको टेप की, तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे तो हमारे काम बहुत इजी हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं, हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। हमें तो इन चीज़ों का अपनी लाइफ में डेली थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो मेरा आज का अगला हैक है, इस तरह के चार्जर्स जो वाइट कलर्स में होते हैं, जो अक्सर हम लोग ऐसे ही हाथ से छू लेते हैं तो काफ़ी गंदे दाग लग जाते हैं, उन्हें साफ़ करने के लिए इस तरीके जो टूथपेस्ट जो आपका खाली हो जाए आप उसको फेंकिए नहीं, ये हमारे बहुत काम की होती हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे जो टूथपेस्ट जो आपका खाली हो जाए उसको आप ऐसे कट कर दें और उसके बाद देखिएगा कि उसके अंदर बहुत सारा पेस्ट बचा ही रहता है जिसे हम यूं ही फेंक देते हैं, बट हम लोग उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपना काम निकालने के लिए। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे पैसे भी बचेंगे, बहुत जो हम को जिसको हम ख़राब समझ रहे हैं वो भी यूज़ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप टिश्यू पेपर में आप कॉलगेट ले लें एंड उसके बाद आप तार को इस तरीके से आप साफ़ करेंगे तो देखिएगा आप टिश्यू पेपर में आपको कितनी गंदगी आपको मिल जाएगी। इसकी जगह आप कॉटन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो आपका कोई भी वायर है, चाहे ये चार्जर वगैरह है, इनकी क्लीनिंग आप इन हमारे ख़राब बेकार कोलगेट के पेस्ट से आप कर सकते हैं जिनको हम फेंकने ही वाले हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारे काम बहुत इजी हो जाते हैं और जो हमें लगता है कि अब सामान ख़राब हो गया है हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का मेरा अगला हैक है, जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो इस तरीके से जीन्स वगैरह ले जाते हैं तो ये काफ़ी स्पेस भी घेरता है और जब हम उसे निकालने जाते हैं तो एक जीन्स निकालने के बदले अगर और भी जीन्स निकलती है उसके बाद उसकी सारी जितनी भी फोल्डिंग्स है वो ख़राब हो जाती है। तो आपको इसको किस तरह से फोल्ड करना है वो हैक है। आप इस तरीके से आप इस ध्यान से देखकर आप इसको फोल्ड करें, इस तरीके का जो पॉकेट बन जाता है जींस का, आप उसके अंदर इस तरीके से आप जींस को रख दें तो एक तरीके से आपका एकदम सेफ हो जाएगा, बिल्कुल भी उसकी जो फोल्डिंग है वो खुलेगी नहीं। और एक साथ आप अगर जींस निकाल रहे हैं तो आपकी दूसरी जींस की फोल्डिंग ख़राब नहीं होगी। तो ये हैक आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मेरा अगला हैक है, इस तरीके के जो बॉक्सेस हमें ड्राई फ्रूट्स में मिलते हैं तो हम उसका क्या करें, लेकिन इसको भी हम बहुत अच्छे से अपने यूज़ में ले सकते हैं। इस तरीके से नेल पेंट्स हमारे पास काफ़ी सारे हो जाते हैं तो इनको भी हम स्टोरेज करने के लिए आप इन बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने नेल पेंट रखा है, आप इसकी जगह अपना
लिपस्टिक वगैरह या फिर कुछ भी अपना छोटा मोटा जो भी आप इधर उधर फैल रहा है वो सब को इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। और जो हमारा बॉक्स है वो भी हमारा इस्तेमाल में आ जाएगा, जो आपका सामान है वो भी आप अच्छे से उसको रख पाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का हमें यूज़ करते रहना चाहिए। तो मेरा अगला आज का हैक है, इस तरीके जो ईयरपॉड होते हैं कभी कभार क्या होता है इसकी ये चार्ज नहीं होता रहता है, तो इसको कैसे चार्ज करना है उस हो जाए वो चार्ज, तो उसका है मेरा आज का ये हैक। इसमें जो वो पॉइंट्स जो आपने देखे होंगे दो दो पॉइंट्स, तो उसको हमें उसमें गंदगी बैठ जाती है तो उसको हमको क्लीन करना होता है। तो इस तरीके से आप माचिस की तीली में थोड़ा सा कॉटन लेकर सैनिटाइज़र उसमें लगा लें और उसके बाद इसी कॉटन से आप ईयरपॉड के केस को अंदर जो आप दो पॉइंट्स होते हैं कॉपर कलर के जिसमें हमारे ईयरपॉड्स चार्ज होते हैं उनको इस तरीके से आप हल्के हाथों से घुमाते हुए साफ़ करें, और जो आपके ईयरपॉड्स हैं उनको भी इस तरीके जो कॉपर दो पॉइंट होते हैं उनको आप क्लीन करेंगे। तो इसके बाद आप देखिएगा अगर आपका चार्ज नहीं ले रहा है ईयरपॉड तो वो आराम से चार्जिंग लेना शुरू कर देगा। तो ये ट्राई करके देखिएगा ज़रूर, अगर वर्क करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरा आज का अगला हैक है, इस तरीके से जब हम लोग खीरा छील के डायरेक्ट सीधे खा लेते हैं तो कभी कभार क्या होता है उसका जो करवाहट बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग खा नहीं पाते हैं, चाहे ऐसे ही पूरा चाहे फिर उसको हम सलाद के रूप में भी काटें तो भी वो हमें काफ़ी कड़वा लगता है, उसके अंदर करवाहट रह जाती है। तो उसकी जगह आप इस तरीके से उसको काटें, काटने के बाद ये जो साइड वाला जो पार्ट था उसको आप थोड़ी देर उसको खीरे में इस तरीके से घिसेंगे तो आप देखिएगा उसमें थोड़ा सा झाग जैसा निकलेगा जो उसकी कड़वाहट होती है, तो अगर वो निकल जाएगा तो आपका खीरा बहुत टेस्टी लगेगा, बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। तो उसके बाद इस तरीके से आप छील कर उसको धोकर आप चाहे तो आप ऐसे ही खाएँ या फिर आप उसको सलाद के रूप में खाएँ, बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। तो ये थे मेरे आज के कुछ हैक और टिप, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर